क्या आरती और छोटू रात के 2 बजे संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था? क्या आरती और छोटू सच में सेक्स करते हुए रात के 2 बजे पकड़ा गया था? यह बात कहां तक हकीकत है या फिर फसाना है, हम आपको आज बताएंगे। आरती और छोटू की मोहब्बत की दास्तान सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, हर फेसबुक, हर जगह आप देख रहे हैं। और इस मोहब्बत की दास्तान में बार बार एक बात उभर करके सामने आती है, एक एंगल उभर करके सामने आता है। वो एंगल ये है कि आरती और छोटू रात के 2 बजे सेक्स करते हुए यानी कि संदिग्ध हालत में पकड़ा गया था। ये बात कहां तक सही है हम आपको बताएंगे। आरती के बड़े भाई का बयान भी यही है, आरती की दादी भी यही कहती है कि आरती और छोटू रात के 2 बजे संदिग्ध हालत में कुकर्म करते हुए पकड़ा गया था। तो सबसे पहले हम आपको आरती के भाई का बयान सुनवाते हैं, वो वाला बयान आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। ये आरती के भाई का बयान है जिसे आपने सुना। आरती के भाई का कहना यह है कि आरती और छोटू रात के 2 बजे बाथरूम में कुकर्म करते हुए पकड़ा गया था, हमने देख लिया था। जबकि दादी का भी बयान आप सुन लीजिए, दादी का बयान क्या है? आरती भी यहाँ घर में रहा, साथ में। साथ में की करे रहे उसे? दोनों टाकू कर्म करे, कुकर में पकड़ ले। दादी भी यही कहती है कि कुकर्म करते हुए रात के 2 बजे आरती और छोटू को इसी कमरे में पकड़ा गया था। थोड़ा सा आप गौर कीजिएगा, भाई का कहना यही ये था कि आरती और छोटू को हमने कुकर्म करते हुए बाथरूम में पकड़ा था, जबकि दादी का कहना यह है कि आरती और छोटू को हमने कुकर्म करते हुए इसी कमरे में पकड़ा था, यानी उसके पोता ने पकड़ा था। देखिए दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग हो रही। बहरहाल हम आपको आरती का बयान भी सुनवाते हैं। जब आरती से यही सवाल किया गया तो आरती का जवाब क्या था? आरती और छोटू आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े, गलत बात है, एक गलत बात है। जैसे ही वहाँ पे हम आए थे, जैसे ही आए थे वहाँ पे, हम बोलने दीजिए हमको, जो गलत सही बात हम बोलेंगे वो बोलेंगे। वो हम आए वहाँ पे, जैसे हम टॉयलेट करने आए थे, एग्जाम था, हम सोचे कि पढ़ेंगे, लेकिन कॉल लगा हुआ था। हम हर एक रोज बात करते थे, उतना एक मिनट भी नहीं लगा होगा हमको शायद वहाँ पे। अब यही सवाल जब हमने छोटू के पिताजी से किया तो छोटू के पिता ने क्या जवाब दिया, वो भी आप सुन लीजिए। चाहे वो आरती की भाई की बात करें तो उनका आरोप ये है कि मतलब संदिग्ध अवस्था में दोनों को हम देख, ये लोग जो आरोप हैं, जीजा की बात करें या फिर जो भी संदिग्ध अवस्था में बाथरूम की बात करें या कई जगह बात करें, तो इसको किस रूप में ये केस कि वो जो बता रहे हैं बिल्कुल फॉल्स बात बता रहे हैं। आरती का भी बयान और छोटू के पिताजी का बयान ये है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं था, ये गलत बात है। जबकि आरती की दादी और आरती के बड़े भाई का कहना यही कि दोनों को कुकर्म करते हुए पकड़ा गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरती के बड़े भाई का कहना यह है कि कुकर्म करते हुए बाथरूम में पकड़ा गया था, जबकि दादी का कहना यह है कि आरती और छोटू कुकर्म करते हुए इसी कमरे में पकड़ा गया था। जबकि आदमी एक ही है तो भूत तो है नहीं कि बार बार अलग अलग जगह में दिखेगा। पता नहीं अब क्या कुछ सत्य है, आरती सच सच बोल रही है या फिर आरती का भाई और दादी सच बोल रही है। देखिए एक आदमी है तो जगह बार बार तो बदल नहीं सकता है, लेकिन जैसे दादी कह रही है कि कमरे में और आरती का भाई कह रहा है कि बाथरूम में, तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। बहरहाल आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आपसे एक बात और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो मेरा पुराना चैनल था जिस पर मैं काम कर रहा था वो किसी कारणवश छोड़ना पड़ गया, उसमें रीच बहुत कम आ रहा था इसी वजह से उसे छोड़ना पड़ गया। अब मैं ये नया बनाया हूँ, आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।